और देखिए, मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते कई शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। कई जिलों में हल्की बारिश हुई, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज भी मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा है। सर्द हवाओं ने लोगों का घर से निकलना दुभर कर दिया है। सर्दी के इस सितम के बीच कोहरे का गौराम भी जारी है। फॉग के फंदे ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित होने लगा है। कुछ जिलों में कई दिनों से सूर्यदेव के दर्शन तक नहीं हो पाए हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कई शहरों में कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्द हवाओं, कोहरे और बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में अधिकतम तापमान 27.7 तो न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री रहा। इंदौर में अधिकतम तापमान 27.8 तो न्यूनतम तापमान 15.2 रहा। ग्वालियर की बात करें तो यहां अधिकतम तापमान 14.2 तो न्यूनतम तापमान 10.6 रहा। जबलपुर में अधिकतम 28.5 तो न्यूनतम तापमान 14.8 रहा। उज्जैन में 24.7 तो न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों का सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ और दिन मौसम ऐसा ही बना रहेगा। राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में अब भी कोहरे, बादल और बारिश का सितम देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी जो है बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। भोपाल में आज शाम को गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है, जिसे लेकर मौसम केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। भोपाल के अलावा प्रदेश के कई और जिले हैं, खासतौर पर प्रदेश का जो अब दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर जो है बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उधर जबलपुर में भी सर्द हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। सुबह पूरा शहर घने कोहरे के आगोश में रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई। सबसे ज्यादा असर हाईवे और ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला। जबलपुर में भी मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। सर्द हवाओं के साथ साथ कोहरे ने भी अपना कहर बरपाया हुआ है। जबलपुर में भी पिछले 36 घंटों से हम लगातार देख रहे हैं कि सुबह और शाम के वक्त तेज कोहरा नजर आ रहा है। इस समय जबलपुर की सड़कों पर भी आप देख सकते हैं कि घना कोहरा छाया हुआ है और यहां पर लगातार विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम नजर आ रही है। न केवल शहर में बल्कि ग्रामीण और हाईवे पर सबसे ज्यादा कोहरे का असर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। तकरीबन 13 से 14 डिग्री सेल्सियस तापमान जबलपुर का बना हुआ है, लेकिन कोहरे की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। कोल्ड वेव को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। यानी नए आदेश के अनुसार सभी निजी और सरकारी स्कूल 10 बजे ही खोले जाएंगे, लेकिन जबलपुर में निजी स्कूल प्रशासनिक आदेशों को दरकिनार कर नियमों के विपरीत स्कूल खोल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह कपकपाती ठंड के बीच नन्हे मुन्हे बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। अगली तस्वीर और चलिए अब आपको तस्वीर दिखाते हैं जो अलग है और सबका ध्यान आकर्षित करने वाली है।